श्री गुरुभ्यो नमः। श्री क्षेत्र सिद्धगिरी महासंस्थान, कनेरी मठ, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापुर। ये मठ 1300 साल पुराना है, जिसका निर्माण आद्य काल सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा किया गया है। तब से आज तक गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है और आज इस मठ के 49वें मठाधिपति परम पूज्य अदृश्य काल सिद्धेश्वर स्वामी जी श्री गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रेरणा और संकल्पना से शैक्षणिक, सामाजिक, कृषि और आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक प्रकल्पों का प्रचलन चल रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में से एक नूतन प्रकल्प है सिद्धगिरी गुरुकुलम। गुरु के गृह में निवास करते हुए विद्यार्जन करना, यही गुरुकुलम का मुख्य अर्थ है, जहां 14 विद्या और 64 कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। कठोरता से परिश्रम करते हुए 12 साल का तप गुरुकुलम में करना होता है, जिससे विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता है, जो 12 साल के बाद अच्छा नागरिक बनकर स्वयं की तथा समाज की उन्नति कर सके, समाज में आदर्श नागरिक बने, यही गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा आदर्श जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण थे, इसी संकल्पना का पुनरुत्थान तथा पुनर्संस्थापन करने का कार्य पिछले 6 साल से परम पूज्य स्वामी जी कर रहे। हमारे गुरुकुलम में मुख्यत्वे 5 भाषाएं पढ़ाई जाती है, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी और हिंदी। उसमें से सबसे मुख्य भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा अर्थात शुद्ध और परिमार्जित भाषा, इसे हम देववाणी और गीर्वाणवाणी भी कहते हैं। ये संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। सृष्टि के आरंभ में हमें वेद ज्ञान संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ। संस्कृत केवल एक मात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी है। अतएव इस देवभाषा का रक्षण और संवर्धन हमें पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और इसी संस्कृत को जानने के लिए महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी हमें प्रतिदिन पढ़ाई जाती है, जिसमें 4000 सूत्र है। अष्ट मतलब 8 और अवधान मतलब ध्यान। एक ही समय पर मन स्थिर करके एकाग्रता से 8 कार्य करना, इसे अष्टावधान कहा जाता है। इसमें शब्द सुनना, चित्र निकालना, चने की गिनती करना, पुस्तक का नाम और कीमत बताना, घंटी का आवाज, वाद विवाद को याद रखना, मोबाइल नंबर को याद रखना और सामने वाली व्यक्ति के हलचल को याद रखना, इतने सब बातें अष्टावधानी में आती है। एक ऐसी अद्भुत विद्या जो ध्यान के आधार पर चलती है, उसे त्रिनेत्र कहा जाता है। इस विद्या की उत्पत्ति शंकर जी से हुई, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इस विद्या को थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्या मन स्थिर करके आत्मसात की जाती है। इस विद्या से सामने बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो भी हम जान सकते हैं। इतनी शक्तिशाली इस विद्या को माना जाता है। इसमें आग पर पट्टी बांधकर लिखना, पढ़ना या गुम गई वस्तुओं को ढूंढना, ऐसे बहुत से प्रकार आते हैं। ये विद्या भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है और इसका पुनरुत्थान हमारे गुरुकुलम में करने का प्रयास चल रहा है। महासुंदर असतात, तुम्हाला याचा कसा फुलका आला?
प्रत्यक्ष मला समजत नाही. शंभराची नोट घेऊन गेला. एकदा आरुरुक्षो मुनीर योगम कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. योगरूप पर्वत के शिखर पार करने के लिए कर्म मार्ग के सीढ़ियों से चढ़कर जाना ना भूले. कर्म मार्ग से जाते वक्त यम नियमों का पालन करें. ऐसे महान ज्ञान जो भगवद गीता देती है उसका प्रतिदिन पारायण गुरुकुलम में चलता है. इसी प्रकार संस्कृत का अध्ययन गुरुकुल में प्रतिदिन चलता है. उसी के साथ मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन गुरुकुल में किया जाता है. वैदिक गणित में अंकगणित, अंगगणित, बीजगणित और एबेकस का प्रशिक्षण दिया जाता है. शास्त्रों के विषय में खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जाता है. महाभारत और रामायण का अध्ययन करते हुए उनका संदर्भ लेकर प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन किया जाता है. इसी तरह गुरुकुलम में 14 विद्याएं पढ़ाई जाएंगी और ये 14 विद्या इस प्रकार है. 4 वेद, 4 उपवेद और 6 दर्शन शास्त्र. गुरुकुलम में 14 विद्या के साथ 64 कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है. इस ब्रह्मांड के उच्चतम नाद का आविष्कार संगीत कहलाता है. वो नाद चाहे गायन से उत्पन्न हो या वाद्य से या फिर नृत्य के माध्यम से निर्मित हो, वही दिव्य संगीत कहलाता है. और यही संगीत सामवेद के अंतर्गत गुरुकुलम में पढ़ाया जाता है. शैली का उगम दक्षिण भारत के मंदिर में हुआ. ये प्राचीन नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है. भरतनाट्यम का सादरीकरण कर्नाटकी संगीत के साथ होता है. भाव, राग और ताल ये भरतनाट्यम के 3 मुख्य अंग हैं. भरतनाट्यम नृत्य प्रकार में नटराज ये नृत्य के मुख्य दैवत माने जाते हैं. ऐसी महान कला हमारे गुरुकुल में पढ़ाई जाती है. भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य प्रकारों में से एक है कथक. यह प्रमुख नृत्य प्रकार माना जाता है जिसमें भाव प्रधान और चमत्कार प्रधान तत्व का समावेश है. शास्त्रीय दृष्टि से इस शैली में गत, तोड़, नायक, नायिका, भेद, तत्कार, घुंघरू का आवाज, तालवादक के साथ नर्तकी की जुगलबंदी इस प्रकार का समावेश होता है जिससे लोक रंजन भी होता है. नृत्य के साथ ही शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पोवाड़ा और कीर्तन इत्यादि कलाओं का प्रशिक्षण गुरुकुलम में दिया जाता है. भारूड़ एक बहुत पुराना कवि स्वरूप है जिसकी रचना संत एकनाथ जी के द्वारा निर्मित की गई है. नाटक नट शब्द से निर्मित है जिसका आश्रय है सात्विक भावों का अभिनय. नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है. भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व इस प्रकार है. कथावस्तु, नेता यानी नायक, अभिनय, रस और वृत्ति. भारतीय नाटक का इतिहास प्राचीन वैदिक काल का है. भरत मुनि को भारतीय नाट्यशास्त्र का संस्थापक माना जाता है. यहाँ तक कि रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र के महाकाव्यों में नाटकीयता की विशेष तकनीकें हैं.
वारकरी संप्रदाय की ये परंपरा है जिसे हम दिंडी कहते हैं। संसार के सभी दुख को भूलकर चित्त को भगवान की ओर एकाग्र करना ये दिंडी का मुख्य उद्देश्य है। भजन के साथ नृत्य होता है जिसे हम पावली भी कहते हैं। सभी विद्यार्थी भक्ति मार्ग में उन्नत होने के लिए प्रतिदिन दिंडी खेलते हैं। योग पर पतंजलि मुनि ने लगभग ईस्वीसन पूर्व 150 में योग सूत्र लिखे थे। योग ये मानवी मन और आत्मा इसकी क्षमताओं को जानना एक विज्ञान का एक भाग है। योग ये 5000 वर्षों से चली आ रही परंपरा है जिसका उल्लेख नारदीय सूक्त और ऋग्वेद में मिलता है। स्थिरम सुखम आसनम, इसके अनुसार रज्जु योग, स्तंभ योग, बॉटल योग ऐसे विविध प्रकार किए जाते हैं। व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सभी अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है, तीनों दोषों की शुद्धि होती है। शरीर निरोगी रखने के लिए गुरुकुलम में पारंपरिक रीति से कुश्ती सिखाई जाती है। रामायण महाभारत से पूर्व भी मल्ल विद्या के अनेक प्रसंग ग्रंथों में पाए जाते हैं। वैसे ही धनुर्विद्या के अंतर्गत इस कला का निर्माण हुआ, सप्तमम बाहु युद्धस्यात्। इस कला के दैवत भगवान हनुमान जी माने जाते हैं। कुश्ती के मुख्य चार प्रकार हैं, हनुमंती, जांबुवंती, जरासंधी और भीमसेनी। अभी हनुमंती कुश्ती बहुत प्रचलित है। यहाँ प्रतिस्पर्धी का पीठ अगर जमीन से टिक जाए तो प्रतिस्पर्धी पराजित होता है। कुश्ती से शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। अश्व ये साहस और गति का प्रतीक है। विद्यार्थियों में साहस बढ़े इसीलिए अश्व संचलन का प्रशिक्षण गुरुकुलम में दिया जाता है। मल्लखांब भारत के सबसे पारंपरिक खेलों में से एक है। मल्लखांब की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई। शरीर का सर्वांगीण विकास हो इसलिए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। शस्त्रेन रक्षते राष्ट्रे, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इस श्लोक की तरह यदि राष्ट्र और धर्म बचाना हो तो सुदृढ़ और बलशाली पीढ़ी तैयार करनी होगी। यजुर्वेद के अंतर्गत धनुर्वेद का शास्त्र सिखाया जाता है। इस शास्त्र के अंतर्गत शस्त्र और अस्त्र सिखाए जाते हैं। इसी प्रकार शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन गुरुकुलम में चल रहा है। शिल्पवेद के अंतर्गत गुरुकुलम में 18 आलूतीदार और 12 बलूतीदार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुम्भारी, लोहारी, चर्मकारी, सुतारी, मूर्तिकला, अन्न प्रसंस्करण इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इस श्रेष्ठ धनरूपी विद्या का अध्ययन पूर्ण करके हम वैयक्तिक, कौटुंबिक और सामाजिक विकास की उन्नति करेंगे। धन्यवाद।